व्यवहार और अपनी अलग पहचान बनाए रखने वाले नंद कुमार सिंह चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। नंदू भैया मध्य प्रदेश में तमाम राजनेता और साथ ही उनके क्षेत्र के की जनता भी उन्हें इसी नाम से पुकारा करती थी। काफी लंबे समय से वो कोरोना संक्रमित थे और डॉक्टर्स की रिपोर्ट ही कहती है कि उनके 90% फेफड़े संक्रमित हो गए थे। दिल्ली के अस्पताल में उन्हें एयरलिफ्ट किया गया था लेकिन उन्होंने आज तड़के वहां अंतिम सांस ली है। नंद कुमार सिंह चौहान भारत की 16वीं लोकसभा के सांसद थे। उनकी पार्थिव देह आज दोपहर एयर एम्बुलेंस से खंडवा हवाई पट्टी लाई जाएगी ऐसी खबर है और वहां से बुरहानपुर ले जाई जाएगी। अंतिम संस्कार गृहनगर शाहपुर में होना संभव है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के बुरहानपुर से विधायक भी रहे नंद कुमार सिंह चौहान। 1996 में 11वीं लोकसभा में बीजेपी ने उन्हें खंडवा क्षेत्र से सांसद उम्मीदवार बनाया जिसमें वो विजयी रहे। पहली बार सांसद का चुनाव लड़ा और वे विजयी रहे। उसके बाद 12वीं 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। 15वीं लोकसभा में चुनाव में खंडवा के कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव से वे हार गए थे और अक्सर मुकाबला उनका अरुण यादव से होता रहा जिस पर खंडवा एक बेहद महत्वपूर्ण सीट हॉट सीट पूरे देश भर की लोकसभा की मानी जाती रही क्योंकि नंद कुमार सिंह चौहान का दबदबा लगातार देखा जाता था और उनकी छवि का ही ये परिणाम था कि लगातार वे सांसद भी चुनते आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। लिखा है कि नंदू भैया के रूप में बीजेपी ने एक आदर्श कार्यकर्ता कुशल संगठक समर्पित जननेता खो दिया। मैं व्यथित हूं। नंदू भैया का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट उन्होंने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी नंद कुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि दी। एमपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खंडवा से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन की दुखद खबर मिली है। कांग्रेस परिवार शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है और परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना करता है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि ये लिखा है मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट से। कोरोना के चलते नंद कुमार सिंह चौहान अस्वस्थ थे। उन्होंने ट्वीट कर 11 जनवरी को ट्वीट कर उन्होंने ये बताया भी था कि मैं आज अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और लोगों से अपील भी की थी कि वे सभी जो उनके संपर्क में आए वे कोरोना जांच जरूर करवा लें। जिसके बाद लगातार एक महीने से उनका इलाज चल रहा था और आज उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बहुत दुखद समाचार मिला है। बहुत ही हमारे प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता सांसद प्रदेश के अध्यक्ष रहे। आज हमको बहुत बहुत गहरा दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को जो यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम निश्चित रूप से उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करे। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने नंद कुमार सिंह चौहान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बेहद दुखद खबर मध्य प्रदेश के लिहाज से। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान इस दुनिया में नहीं है। काफी लंबे वक्त से वे बीमार चल रहे थे। एक महीने से उनका इलाज चल रहा था। नंद कुमार चौहान के बारे में राजनीति में ये कहा जाता है कि काफी बंझे हुए नेता जिनके अनुभव का लाभ बीजेपी को मिला और मुखर नेता थे उनकी मुखरता के चलते कई मायने निकाले गए और राजनीतिक गलियारों में हमेशा सुर्खियों में भी नंद कुमार सिंह चौहान रहते थे। लोकसभा चुनाव के वक्त उनके बयान भी काफी सुर्खियों में रहे लेकिन एक कुशल संगठक के तौर पर बीजेपी के नेता आज भी नंद कुमार सिंह चौहान का लोहा मानते हैं। कोरोना संक्रमण होने के बाद 5 फरवरी से वे एडमिट थे। कई पदों पर नंद कुमार सिंह चौहान ने जिम्मेदारी संभाली है। राजनीतिक सफर शुरू हुआ 1978-80 से
और नगर पालिका परिषद शाहपुर जिला खंडवा के वो चेयरमैन रहे। स्थानीय राजनीति से निचले स्तर की सरकारी व्यवस्था से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन बने 1978-80 के बीच और 1983-87 के बीच में। 70 के दशक में अपनी राजनीतिक पारी इन्होंने शुरू की। 1985 से 1996 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए वे निर्वाचित हुए और 1996-97 में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए फिर से दूसरा कार्यकाल उनका शुरू हुआ, दूसरी बार सांसद चुने गए। 1998-99 में कृषि संबंधी स्थायी समिति के सदस्य बनाए गए, परामर्शदात्री समिति के सदस्य बनाए गए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सदस्य बनाए गए। 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए फिर से तीसरे कार्यकाल के तौर पर सांसद के तौर पर उन्होंने चुनाव जीता। 1999 से 2000 में याचिका समिति सदस्य बनाए गए, वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के सदस्य बने, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य उन्हें बनाया गया। 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए, चौथी बार सांसद बने नंद कुमार सिंह चौहान। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य बनाए गए और याचिका समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने पदभार संभाला। मई 2014 जब पूरे देश में एक लहर बीजेपी की देखी गई तो उस दौर में लगातार सांसद चुने आ रहे नंद कुमार सिंह चौहान पांचवी बार सांसद बने, 16वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए और 14 अगस्त 2014 को सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य बनाए गए। 1 सितंबर 2014 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के सदस्य बनाए गए, परामर्शदात्री समिति के सदस्य बनाए गए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय के सदस्य नंद कुमार सिंह चौहान रहे। मई 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए फिर से खंडवा से सांसद निर्वाचित हुए। तो खंडवा की जनता का अपार प्रेम नंद कुमार सिंह चौहान को मिलता रहा। बुरहानपुर से चाहे वो विधायक रहे हो या खंडवा से 6वीं बार के सांसद, लगातार उनकी जीत ये बताती है कि वो कितने लोकप्रिय नेता रहे। मालवा अंचल में नंद कुमार सिंह चौहान का एक बड़ा नाम और एक बड़ी शख्सियत। बीजेपी में कुशल संगठक के तौर पर नंद कुमार सिंह चौहान पहचाने जाते रहे। जमीन से शुरुआत की और बड़ी जिम्मेदारियां संभाली नंद कुमार सिंह चौहान ने। मुखर नेता और कुशल व्यक्तित्व नंद कुमार सिंह चौहान की पहचान रहे। बहरहाल कोरोना के संकट काल में, कोरोना के चपेट में आए नंद कुमार सिंह चौहान। 11 जनवरी को उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी कि वे अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। कोरोना की रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वे कोरोना की जांच करवा लें। और 11 जनवरी का वो दिन उनका ट्वीट, इसके बाद 5 फरवरी को दिल्ली के मेदांता में उन्हें एडमिट कराया गया, जहां आज तड़के उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर्स की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके फेफड़ों में संक्रमण फैल गया था। इसके बाद उन्हें 5 फरवरी को मेदांता में एडमिट किया गया था। उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई थी, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश के तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। 6 बार के सांसद, मौजूदा सांसद खंडवा के नंद कुमार सिंह चौहान, जो नंदू भैया के रूप में लोकप्रिय थे, जनप्रिय नेता थे, 6 बार के सांसद और बुरहानपुर से विधायक भी रहे,
1985 से 1996 तक मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य रहे, फिर लोकसभा में लगातार 6 कार्यकाल, ये उनका 6वां कार्यकाल था। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी निभाई, मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे नंद कुमार सिंह चौहान, और जब वो बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे तो संगठन का एक स्वरूप उन्होंने जो तैयार किया वो आज देखने को मिलता है। संगठन में मजबूती लाने के लिहाज से नंद कुमार सिंह चौहान ने काफी काम किया, जिनका लोहा आज बीजेपी के कार्यकर्ता मानते हैं। बेहद मुखरी नेता, और उस वक्त हड़कंप मच गया था जब अचानक से नंद कुमार सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से। उनका यह कहना था कि वे अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य कराना चाहते हैं और दोहरी जिम्मेदारी उस वक्त वो नहीं संभालना चाहते, जिसके बाद तमाम सियासी अटकलें भी चली थी। राकेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, नंद कुमार सिंह चौहान को मनाने की भी काफी कोशिशें हुई थी। आखिरकार नंद कुमार सिंह चौहान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नहीं रहे। बाद में ऐसी भी बातें चली कि संगठन में बदलाव किया गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नंद कुमार सिंह चौहान के बीच में भी तल्खी की बातें निकलकर सामने आई थी। उस वाक्य से ये स्पष्ट हो गया कि नंद कुमार सिंह चौहान स्टैंड लेते हैं और मुखरता से बोलते आए हैं लगातार, चाहे वो नेताओं के खिलाफ हो या संगठन के खिलाफ हो। लेकिन संगठन की मजबूती के लिए जो जिम्मेदारी नंद कुमार सिंह चौहान को मिली वे बखूबी निभाते आए हैं, इस बात को नेता कहते आ रहे हैं। और आज उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ इसी तरह के ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी, और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ने लिखा है, सहजता, सरलता, सौम्यता, हमेशा बड़े भाई की भूमिका में हम सभी को स्नेह देने वाले नंदू भैया के दुखद निधन का पीड़ादायक समाचार सुनकर मन व्यथित है, व्यक्तिगत क्षति है। ये लिखा है मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सुधीर एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर और छवि उनकी काफी आक्रामक भी देखने को मिली, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो क्यों। 6 बार महामंत्री रहे प्रदेश के, उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे, श्रद्धेय कुशाभाऊ जी, कार्यलाल जी, पटवाजी, जोशी जी, राजमाता जी सबके साथ काम किया। और वो पुरानी और नई पीढ़ी को जोड़ने वाले नेता थे, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। प्रयास हमने बहुत किए, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन्हें हम बचा नहीं पाए। उनके निधन से जनता ने अपने सेवक को खोया है, प्रदेश ने अपने नेता को खोया है, पार्टी ने अपने कुशल संगठक को खोया है, और मैंने अपने एक भाई को खोया है। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अभी उनकी अंतिम यात्रा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अंतिम संस्कार तो कल होगा, बाकी चर्चा करके हम लोग फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने नंद कुमार सिंह चौहान को याद करते हुए बताया कि वे पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी को जोड़ने के काम किया करते थे, और उन्होंने काफी अनुभवी नेताओं के साथ काम किया है, जिसका लाभ वर्तमान में बीजेपी संगठन को मिल रहा है। सुधीर,
खंडवा से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान लगातार ये 6 बार सांसद चुनकर आए थे और इससे पता चलता है कि कितने लोकप्रिय रहे अपने क्षेत्र में। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर तृप्ति, और जो बात शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना तुम्ही सो गए दास्ता कहते कहते, नंद कुमार सिंह चौहान उन नेताओं में शुमार थे कि लोग इंतजार किया करते थे जब वो भाषण दिया करते थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बेहतरीन भाषण शैली के लिए जाना जाता है देश के राजनेताओं में, पर जब भी कोई कार्यक्रम हुआ करता था और एक अध्यक्षीय भाषण के तौर पर नंद कुमार सिंह चौहान जब मंच पर आते थे तो एक असहजता हमेशा रहती थी। शिवराज सिंह चौहान इस बात का जिक्र हमेशा करते थे उनके भाषण के बाद में कि नंदू भैया ने भाषण जो दिया है उसके बाद में अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लिहाजा समझा जा सकता है कि नंद कुमार सिंह चौहान बतौर एक मजे राजनेता के तौर पर कम से कम बीजेपी के में तो काम कर ही रहे थे, पर लेकिन क्षेत्र में एक बड़े समाज सेवक की भूमिका, बड़े एक जो लोग थे उनकी मददगार की भूमिका में नंद कुमार सिंह चौहान को हमेशा देखा है। व्यक्तिगत तौर पर अगर तृप्ति हम बात करें तो जो एक राजनीतिक तौर पर चूंकि लंबे समय से पॉलिटिकल बीट हम लोग देख रहे थे, अपूर्णीय क्षति बताया है नेताओं ने भी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी। शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। This program was brought to you by Co-TMT, Mo-TMT, Ahira Product, Horizon Multi-Specialty Hospital.